पति को दंड मिलु तेबे सहानुभूति अवश्य दियंतु परंतु दंड को अवश्य भोगिबा को दियंतु जेमिति तांको विवेक करे चेतना जागिबो। पशु जदि पति रूप से मिले तेबे से परमात्मा नुहे एवं एही सत्य जे पर्यंत नारी बुझिबे नाही एही परिप्रतारित हेबे। महादेव जदि आपण चली जिबे तेबे आम अवस्था कौन हेबो? आजि एठारी एही प्रकार भिक्षा मागुथिबा पुरुष आपण चली जिबा परि आमको प्रतारित करिबे। आम नारी मानकर रक्षा करिबा निमन्ते आपणक उपस्थिति अत्यंत आवश्यक महादेव। जदि एपरि हुए मु वचन देउछि जे जेबे जेबे नारी मानक सहित केही अनुचित व्यवहार करिबो तार पापर दंड दबाकु मु स्वयं आसिबि। जुग जुग पर्यंत मु एही पृथ्वीर भ्रमण करिबि आउ जिए भी नारी उपरे अत्याचार करिबो सेही पापीर प्रत्येक पाप को स्मरण रखिबि। मु मो सतींकु रक्षा करि पारलि नाही परंतु नारी उपरे करा जाइथिबा अत्याचारर न्याय एही शिव करिबो आउ एहाई हेबो मोर प्रकृत श्रद्धांजलि मो सतींक निमन्ते। मु निजर कर्म पूर्ण करिसारिछि एबे मु ताहा ही करिबी जहाँ मो हृदय कहिबो। एही सृष्टि एवं संसार रो चिंतारु मुक्त होई मु निजर पीड़ा सहित उन्मुक्त घोरी बुलिबी कहिथिले ना देवी महादेव जदि किछि भी न करंती सेथिरे मध्य एक उद्देश्य निहित था तांकर एही प्रकार विरक्त होई घुरी बुलिबारे मध्य एक उद्देश्य निहित अछि। जेते जेते जुग बढ़िबो मनुष्य एवं ईश्वरक मध्यरे दूरता बढ़िबो मनुष्य पाप करिबाकु कम भयभीत हेबे। किंतु आज जो घोषणा महादेव करिछन्ति ताहा परे परे नारीक अपमान करुथिबा व्यक्ति तांको पर अत्याचार करुथिबा व्यक्ति सर्वदा महादेव प्रति भयभीत रहिबे कारण तांकर कर्मर लेखा जोखा स्वयं महादेव ही करिबे। अर्थात नारी को सम्मान रे वृद्धि हेबो। एहा तो मु बुझि गली जे शिवंकर एही परिस्थिति पछरे कोन उद्देश्य परंतु एही उद्देश्य निमन्ते तांकर एही परि विरक्त होई घुरी बुलिबा केबे शेष हबो प्रभु? जेबे अटकिबार उद्देश्य सामना को आसिबो तेबे महादेव भी अटकी जिबे परंतु से पर्यंत शिवंकर मन रे स्थिति शुभ रहिबो नियति काहि कि स्पष्ट करि देउनी केते वेदना केते क्लेश एबे शेष अछि। कौन महादेव भूली जिबे जे ताहा तुमर षडयंत्र थिला जहार परिणाम स्वरूप देवी सती जीवन चलीगला। एमिति लड़िबो देवतांक सह तेबे जीवित रहिबनी तुमको जीवित रहिबाकु हबो। असुर माता बजरांगे मूर्छित अछन्ति जदि ए स्थिति रहिला तेबे तांक शिशु जन्म नेबा पूर्व रही मरि जिवो। असुर माता एबे त वैद्य मातांकु ही डाकिबाकु पडिबो। जेबे दीति माता एठी अछि तेबे वैद्य मातार कोन आवश्यकता अछि? बजरांगीर शिशु कौनसी वैद्यों उपचार रे नुहे
ब्रह्मदेवंक आशीर्वादरे जन्म नेब मते से नारायण आ गुरु शुक्राचार्यंक प्रति भयभीत हेबार कौनसी आवश्यकता नाही मु स्वयं ब्रह्मदेवंक आवाहन करिबी आउ तांको बर मागिबी बजरंगीर पुत्र जीवित जन्म हब आ सब देवतांक ठारु अधिक शक्तिशाली हब आमर विजय निश्चित कारण देवतांकु रक्षा करुथिबा महादेव स्वयं संतुलित अछन्ति शिव एपरि धरित्री उपरे घूरी बुलिबार केवल गोटिए अर्थ जे से देवता मानंकर अशुभ दिन आसी जाइछि जाओ समस्त असुरंकु एकत्रित कर मोर त केवल एकमात्र स्वप्न अछि जे मो शिव मु न कहिले भी मो मनर कथा बुझि नेबे हर हर महादेव 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 किए आपण कहंतु न किए आपण चादर देवाकू सिमो पखरी गोटी चादर अच्छी थंडार बचा कारण ये चादर रे मु महादेव को घोड़ी रखी भी तो थंडा लगुत ना इपरी कौन देखुं सत्य कह देख कहीगला जे शिव शिवंक रक्षा करिबे देखुछंती महादेव एई बालक सदृश समस्त संसार आपणंकु केते प्रेम करुछि समस्तंक परम पिता आपण समस्त चिंतित अछंती आपणंक निमन्ते तांको आस्था प्रति कोनोसी कर्तव्य नहि कोन आपणंकर चलंतु महादेव एबे फेरी चलंतु दैत्य माता दितिंकर
माते यही अवस्था रे बजरांगी को एठा को आनिबार तात्पर्य कोन से यही समय रे निज कक्ष रे रहिबा उचित आ तांकर जदी किछि हाबनी बजरांगी रो आउ ता शिशु रो एठी पाई तको एठी कि नै आसी छी बजरांगी रो पुत्र एठी ब्रह्मदेवंक तापरे जन्म नब मु ब्रह्मदेवंक आवाहन करिबी आ तमे समस्ते एथिरे मते सहयोग करिबो आज्ञा माता आम समस्तंक सम्मिलित प्रार्थनार बल ब्रह्मदेवंक विवश करिदबो एही बालकको रक्षा करिबा निमन्ते बजरंगी रा पुत्र को सुरक्षित जन्म नबा को ही हबो महादेव केबेठु ना आपण किछि खाइ चंती ना पी चंती भोजन करंतु प्रभु देखंतु महादेव आपणंक प्रति एमानंक चिंता ही आपणंक प्रति एमानंकर प्रेम ना जे मते प्रेम करिथांती तांक चिंता तो समस्तंकु अछि परंतु मु जहांकु प्रेम करूछि ता कोन कोहंतु देवर्षि कोन समाधान अछि यार नाही ना कोनसी उत्तर आपणंक पाखरे तबे चली जाऊं तो ठहरो एवं नंदी तुम्हें भी जाओ मु मोर सती स्मृति सहित एकाकी रहिबा को चाहूँ संसार रो रचयिता एकाकी किपरि रही परिबे समस्त संसार आपण को गुहारी करुछि एमानन को गुहारी को केते दिन अण देखा करिबे आउ वैराग्य रे कोन आपण को शांति मिलिबो आपण तो शिव निज भक्त प्रति विमुख हो कौन शांति रही पारे आपण रही एवं मोर का सहित कौन संबंध ना आ कथा ये संसार तबे विष्णु एवं ब्रह्मदेव यार संचालन करे आवाहन करुछि ब्रह्मदेव आपणंक कर्तव्य पालन करंतु बजरंगीर पुत्र को रक्षा करंतु ब्रह्मदेव आम समस्तंक सम्मिलित प्रार्थनार प्रसाद आमको दियंतु ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः
भयभीत हबार आवश्यकता नहीं बजरंगी तुम पुत्र जन्म नवा पूर्व ही तपर शक्ति बलशाली हब तुमको तो गर्व अनुभव करने आवश्यक जे तुम्हें सबुठ शक्तिशाली पुत्र माता हवा को जाऊ असुर निवारण निम्ते तुमको ये पीड़ा सहवाक पुत्री एबे समय आसी जाइछि कालर जन्म हेबा को जाउछि प्रतीत हेउछि कोनोसी महासंकट आसुछि आमर आपण को उपरे पूर्ण विश्वास अछि महादेव आपण हमकु प्रत्येक संकट रु रक्षा करिवे हर 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 महादेव हर 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 महादेव सुनु छंति आपण आपण को भक्तन को प्रार्थना को केते दिन जाय आपण अनुसुणा करिवे प्रभु भक्ति रे अपार शक्ति रही थाए प्रभु भला ए सत्य को आपण को ठरु अधिक अन्य किए बा जानी परिबे जदि महादेव एही प्रकार भक्तन को प्रार्थना अनुसुणा करी चलिबे तेबे संसार रो संचालन किपरि हेबो प्रभु आपण को चिंता उचित किछि भयंकर हेबा को जाउछि असुर माने मोर आवाहन आरंभ कर दे छंती धर बजरांगी एबे किछि क्षण रे तुमे एही पीड़ा रो मुक्त हे जीवो कारण एही पीड़ा परे से जन्म नब जे हम असुरंक पीड़ा सदा सर्वदा पई हरि नब आ ए थर त देवतांकु रक्षा करूथिबा से महादेव भी तांक सहित नाहंती तुमर एही पीड़ा रो अंत सहित आरंभ हब असुरंक स्वर्णिम काल कारण तुम गर्भरु पुत्र नुहे देवतांक काल जन्म नब देवतांक काल जन्म नब एही असुर माने आम त्रिदेवंक आवाहन काहेकि करिथांति एहा आपण भलो भाबरे जानिछंति नारायण संकट रही क्षण रे जदि सेमाने मोठारु कोनोसी वरदान मागिनेले तेबे देखिबी जे से नारायण की परि बंचेबे देवलोक को एबे हव असुर मानंक साम्राज्य एबे केवल एकमात्र आशा अछि एहा पूर्वरु असुर कोन से षडयंत्र रचंतु महादेवंक भक्त तांक मनै नियंतु जदि महादेव न मानिले तेबे सब जानिछंति आम महादेव हेउछन्ते भोलानाथ तांको प्रसन्न करिबा जेतिके सरल सेतिके सहज मध्य मोर विश्वास अछि निजर भक्तंक प्रार्थना को भोलानाथ अधिक समय पर्यंत न सुनी रही पारिबे नाही एवं पुणी एई रुष्ट हेबा एवं मनैबा प्रक्रिया को देखिबा मध्य एक रोचक अनुभूति हेबो संसार रे अधिकतर व्यक्ति नाग प्रति भयभीत होइथांति ताहाको काल मान्य जाइथाय परंतु एही संसार रो सबठारु अद्भुत जीव होउछन्ति नाग कारण से स्वयं मध्यरे ही विश्व लुचै रखिथांति नाग
ବନରେ ଭୂମି ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ଉଚିତ ଅବସରକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ କିପରି ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ କାତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ରୀତି ନିୟମ ପୁରାତନ ହେବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ରହିବା ପରେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯଦି ନାଗ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ।